हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत है श्री सर्कल में। मैं इंजीनियर सोलंकी, आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग के ये क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको मालूम है कि सी वाई, अब इस तरीके से लिख देते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, वो स्टूडेंट्स का टाइम लेना चाहता है एग्जामिनर। ठीक है, जैसे सी को क्या लिख दिया उसने, एन लिख दिया। ठीक है, तो C पे क्या होता है हमारे पास 3 और N पे क्या होता है हमारे पास 14, यानी कि हमने कितने की इंक्रीज किया, हमने 11 का। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस 11 किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस 11 ही होगा, तो वो तो N ही हो गया, N तो सब पे है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली चलेंगे। देखो N N तो सब में ही है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही रिलेशन इसके साथ भी है तो सेकेंड लेटर को भी चेक कर लेते हैं। जैसे B है, B के बाद क्या है 18, ये 2 है और ये क्या 18 है, यानी कितने का इंक्रीज हुआ आपका 16 का, 16 का इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, जेड जेड 26 पे है, तो हमारा क्या आएगा, जेड आपका 26 पे है, तो अगर हम प्लस अगर 16 करेंगे तो 16 पे तो हमारा पी आना चाहिए, जो कि गड़बड़ हो रहा है हमारा। ठीक है, बी यानी कि 2 है, आर एस, आर यानी कि 18 होता है। ठीक है, इधर भी देखते हैं कुछ। ठीक है, देखो ये क्या हो गया हमारे पास, बाई बाई पे क्या है हमारे पास 25, ये 25 है और यहाँ पर क्या है जे जे पे, यानी कि जे के यानी कि 10। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखा जाएगा तो 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर आपका तो ए बी 2 तो होता ही है, आर एस कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये 15 16 इस तरीके से क्यों हो रहा है, एक मिनट रुकना जरा, चलो देखते हैं। एन तो सेम ही है, एन को तो हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं उसको। ठीक है, सी बाई आर एफ को क्या लिखा है उसने, एन जे सी क्यू। ठीक है, ये देख लेते हैं, जी बी यू बी एम आर एम एफ एक्स। ठीक है, देखो ये क्या है 6 और ये 17 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 11 है, ये भी प्लस 11 हो रहा है, 11 6 17। यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, एम पे 13 है और ये क्या है 26 है, अब वो सॉरी 24 है, तो ये भी 11 हो रहा है, ये भी 11 हो रहा है। ठीक है, एंड में भी 11 हो रहा है, यानी कि क्या हुआ, पी पे क्या हो गया 16 है और इस पे 11 करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है 27 27, यानी कि ए आखिरी में आना चाहिए। देखो ये वैसे ही निबट गया, ए से ही निबट गया, काम ही खत्म हो गया इसको, लास्ट डिजिट से ही गया कि ये 11 से उठ रहा है, ए से ही निपटा लो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे भी कोई रिलेशन बनी जाएगा उसमें कहीं ना कहीं। देखो प्रोटेक्ट और हेल्थ को इस तरीके से लिखा है, हेल्थ इस हेल्थ को इसको लिखा, तो हेल्थ को लिखना है, तो ये जो हेल्थ है ना ये कॉमन इसमें भी है और इसमें भी, तो हेल्थ ये बड़े इसमें से देखना पड़ेगा, इसमें से कौन क्या है, डी है बी क्यू, तो इसमें क्या है टी यू, टी यू ही है, तो हेल्थ का जो कॉमन बनेगा वो क्या होगा टी यू, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये आपको समय बचाना है भाई, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ डराने के लिए दे रहा है। देखो 9 तो यहाँ भी है, 9 तो यहाँ भी है, 9 तो यहाँ भी है, तो आप तो ये सोचो को 5 से 14 है, 14 से 23 है, 23 से 12 है, इस तरीके से आपको ये लॉजिक जोड़ना है। तो 9 और 5 14 होते हैं, फिर 9 और 4 13, फिर 9 है, फिर ये क्या हो गया प्लस 9 ही हो रहा है वो, तो ये क्या हो गया 50 50 बटे 9 लिखना है बस आपको, ये हो गया, घबराने का नहीं है आपको उस चिन्ह में क्वेश्चन से। बोला है कि 25 अगस्त 2016 को शुक्रवार था, तो 25 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, तो देखो ईयर वही है, मैं तो उस तरीके से निकालता हूँ, ये कोड है 144 0 250 36 140, ये होता है, ये दिसंबर मतलब जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड आप क्या हो गया 3। ठीक है, 25 प्लस 3 18 लिखेंगे, 18 मतलब जो सन है उसका 18 लिखते हैं, और क्या करते हैं आपको लीप ईयर निकालना पड़ता है, लीप ईयर के लिए क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 4 चौक 16। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो परफेक्टली होते हैं उसको होते हैं, और आपका सदी का कोड होता है 6, यानी कि 4 6 626, ये होता है 1600 1700 1800 1900 2000। ठीक है, ये होता है 6 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेवन करेंगे तो ये क्या हो गया 6 6 10 18 और 10 28 28 और 28, तो 2503 क्या होता है 28 28 28 क्या हो गया आपका 56 56 को इसमें क्या करेंगे ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7 8 56, तो आपका क्या हो गया ये 0 बचा है, जब भी 0 का केस आता है तो वो सैटरडे होगा आपका, 0 या 7 जो भी बच रहा हो ना, तो क्या होता है आपका बनता है सैटरडे, यहाँ पर क्या हो जाएगा शनिवार बचेगा। वैसे स्टार्ट कैसे करते हैं,
ये संडे से स्टार्ट किया, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे वन से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से चलेगा। सैटरडे पे क्या आता है आपका, 0 या 7, इस तरीके से लिख सकते हैं 0 या 7। तो ये क्या हो गया, शनिवार। ठीक है, देखो क्या बोला है कि वी के विपरीत क्या होगा, वी के विपरीत क्या होगा, ये एट्थ हो जाएगा। वी बराबर क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। हमसे बोला है कि श्रृंखला में हम क्या लिखेंगे, ये ठीक है, JMD, ठीक है, OHJ, ये क्या हो गया हमारा, YXVDSB। ठीक है, क्या दिक्कत नहीं है, हमको क्या लिख रहा है, J पे क्या हो गया 10 और ये क्या आ गया, O पे 15, तो ये क्या हो गया, प्लस फाइव है, तो यहाँ भी प्लस फाइव है, 15 के बाद प्लस फाइव करेंगे तो क्या आएगा, 20, 20 यानी कि T। देखो एक ही से बन गया काम को, हमको यहाँ ले यानी कि ये नहीं, टी से स्टार्ट हो गया। हमसे बोला है पी के विपरीत क्या होगा, ठीक है, देखो एन के विपरीत तो क्या हो गया, के हो गया, ओ के विपरीत क्या हो गया, एम हो गया, तो पी के विपरीत क्या हो गया, एन, पी के अपोजिट में क्या होगा आपका, एन बचेगा, एन, देखो एन है बिल्कुल, ठीक है। देखो ये बोला जा रहा है कि बैल को कैसे लिखेंगे, बैल को कैसे लिखेंगे, वही देख लो आप, देखो बैल जहाँ भी है, बैल भी जहाँ भी है, और कोई है, और कोई कॉमन नहीं है, तो बैल इसमें है और इसमें है, तो आपको क्या लिखना है, दोनों में से कॉमन क्या है आपका, हाँ आर बी, तो आर बी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बैल, ठीक है, आर बी का कोड जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, बैल, ठीक है, बैल। हमको क्या कह रहा है श्रृंखला में क्या है, देखो क्यू पे क्या है 17, एम पे क्या है 13, आई पे क्या है, ओ पे 15, आई पे 9, और ये क्या आ गया 5, ठीक है, 5, 9 और 4 13, 13 4 19, इस तरीके का डिफरेंस चल रहा है। देखो पहले क्या हुआ 6 का, ठीक है, फिर क्या हुआ आपका 4 का, फिर क्या हुआ आपका डिफरेंस, अब ये क्या हो गया फिर 4 का, ये गड़बड़ हो रहा है, अरे 17 होता है यार, क्यू पे 17 होता है, सॉरी शिट मैन, क्यू पे क्या होता है आपका, सॉरी क्यू पे आप क्या होता है 17, ये क्या हो गया 4 का डिफरेंस, 9 और 4 13, 4 का डिफरेंस, अब ये भी 4 का डिफरेंस है, यानी 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए आ जाएगा, देखो ए है आपका, ठीक है, अब क्या देख रहा हो, या तो आप सेकंड लेटर ही देख लो तभी सही बनेगा, सेकंड लेटर में भी देखो आर पे 18 है और ये क्या हो गया 24 है, तो ये क्या हो गया 18 और 6 24, प्लस 6 हो गया, 6 के बाद अब ये क्या हो गया, फिर भी 6 हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया 24 और 2 26 होते हैं, फिर डिवाइड कर दिया। अब जे पे क्या हो गया आपका 10 10 है, और ये क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 6 6 यानी कि 16, यानी कि क्या आएगा, पी पी यानी कि 16, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए पी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमसे बोला है कि उस संख्या को चयन करें। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन है, अक्सर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो हमको क्या दे रखा है 4 8 32 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, देखो 4 8 और 32, बहुत बढ़िया बात है, 7 14 56, ठीक है, देखो एक तो ये रास्ता होता है, एक तो ये रास्ता हो रहा है कि देखो अगर 8 का डिवाइड इससे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 8 का डिवाइड अगर इससे कर रहा हूँ तो मेरे पे ये वाला लेटर मिल रहा है, ठीक है, इसका डिवाइड इससे कर रहा हूँ, क्योंकि 14 चौक 56 होता है, 14 चौक 56, देखो अब ये जो है इसका भी इससे डिवाइड कर रहा हूँ तब भी 4 मिल रहा है मेरे को, 7 नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई भी लॉजिक लगा लेंगे, इससे इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये, तो यानी कि ये तो हमारे पास कॉमन है कि इसका डिवाइड कर रहा हूँ और इसके डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर 7 दे दिया, और एक लॉजिक ये भी बनना है कि ये इसका दुगुना है, 4 दुनिया 8, और एक इसका दुगुना, यानी कि ये सेकंड वाला इसका जरूर डबल हुआ, देखो बन के लॉजिक ये क्या हो रहा है 22 इसका, तो क्या होगा इसमें इसको डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा 22 6 88 होता है, डिवाइड करो मल्टीप्लाई इस बात बराबर ही है, 88 का डिवाइड करेंगे 22 में तो 4 हो रहा है, और ये इसका डबल होना चाहिए, तो 22 11 दूनी 22, देखो हो गया 11 3 33 हो रहा है, 11 3 11 दूनी 22 तो हो रहा है, पर लेकिन ये इसका इससे 77 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं, तो इसलिए ये क्या बनेगा, यही आंसर बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपको। देखो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, जब भी आपको बिल्कुल सिंपल दिया तो 1 2 3 जितने परपेंडिकुलर इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6 6, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके ट्राइंगल बनेंगे सिंपल में, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया है तब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमसे बोला है कि इफ 1 इज एडेड टू द ईच ऑड डिजिट नंबर एंड 2 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द ईच इवन डिजिट, ठीक है, 5 6 1 3 7 4 2 6 7 8, हमको क्या करना है,
वन ऐड करना है किसमें, ऑड में, और क्या करना है, टू सब्ट्रैक्ट करना है हमारा इवन में। ऑड है ये हमारा, ऑड है तो ये वो हो गया, और इसमें क्या गया इवन है तो हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो चार, ये क्या हो जाएगा तीन, और ये क्या हो जाएगा चार, और ये क्या हो जाएगा हाँ आठ, और ये क्या हो जाएगा दो, और ये क्या हो जाएगा जीरो, माइनस करना है ना, और ये क्या हो जाएगा चार, ये आठ, और ये क्या हो जाएगा छः। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, एक दो तीन, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट, एक दो, सेकेंड फ्रॉम द क्या कह रहे हैं, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है थर्ड ये हो गया हमारे पास, एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट, सेकेंड फ्रॉम द राइट तो ये हो गया, आठ तीन ग्यारह होना चाहिए, हमने कुछ गलती कर दी है, ऑड है हमारे पास, क्या है सेवन है, सेकेंड नंबर है ना, एक दो, तो सेकेंड तो यही हो गया राइट से, तो ये लेफ्ट से हो गया, राइट से हो गया, ये जो है ये हमारा राइट से हो गया, ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट से हो गया, ठीक है। हमने क्या किया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स पूछ रहा है ना, ठीक है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट, सेकेंड फ्रॉम द राइट, ठीक है, तो तीन ग्यारह ही तो हो रहा है, तो हमने कुछ गलती करी, वन ऐड करना है ऑड में और टू सब्ट्रैक्ट करना है इवन में, तो ये यहाँ से भी अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, सेवन है तो सेवन में क्या हो जाएगा ऑड है तो एक डिजिट कर देंगे ऐड, बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो गया हमारे पास वन ऐड करेंगे तो इसमें ऑड है ना तो ये दो हो जाएगा ना, अगर ये वन है अगर इसमें वन ऐड करेंगे तो दो होगा ना, तीन कैसे हो सकता है, इसलिए गलत हो रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा वन है तो वन में ऐड करेंगे, ये ऑड है हमारे पास तो वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आठ और दस क्या हो रहा है, टू प्लस आठ क्या हो रहा है दस हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो थोड़ी सी वहाँ चली मिस्टेक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्या दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है इसका कोड निकालना है हमको, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ए जेड, देखो ए जेड एच एम जेड डब्ल्यू एस एन, ठीक है क्या बोला है सी ई जे ओ, तो देखो ये तो इसका अपोजिट हो गया, हायर सेकेंडरी ये भी अपोजिट हो गया, एम एन ये भी अपोजिट है, डी का डब्ल्यू भी अपोजिट होना चाहिए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है शायद लॉजिक यही हो रहा है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कहाँ लौट हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ गड़बड़ हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एच रह गया, एच गायब हो गया हमारा, चलो कोई दिक्कत नहीं इसी काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हायर सेकेंडरी है, देखो ई के अपोजिट होता है ई बी, ऐसे याद रखा है, ई के अपोजिट क्या होता है ई बी, ठीक है, और ई बी इसके अपोजिट होता है, ठीक है, और एल ओ एल लव यानी कि एल एल होता है लो, ठीक है लो बोल सकते हैं, और जे के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, जे के अपोजिट कुछ चेंज हो रहा होगा, जे जे के शायद अपोजिट होता है हमारा क्यू, क्यू होता है जे क्यू, ठीक है ऐसे ही होगा, तो आप कोई भी ऑप्शन बना लो, एल वी एल लाखरी में किसके आ रहा है ये हो रहा है देखो ये है, और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, सी के अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है ये हो रहा होगा, एक एक लेटर पीछे खिसक जाएगा, वो थोड़ा सा मैंने क्या गलती गड़बड़ कर दिया, यानी कि अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं वैसे तो याद होना चाहिए ये, ठीक है इस वजह से अपोजिट लेटर का सीन बना है और कुछ नहीं। हमसे बोला है कि यदि रानी 80 छात्रों की कक्षा में शीर्ष 12 स्थान पर है तो कक्षा में नीचे से उसकी रैंक क्या है, ठीक है देखो टोटल स्टूडेंट क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन होता है, टोटल स्टूडेंट आपको 80 दिए हैं और 12 इसमें से माइनस कर दो प्लस वन कर देना, तो ये क्या हो जाएगा दो, और ये क्या हो जाएगा सेवन, सेवन और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है तो कक्षा यदि 80 छात्रों की कक्षा में 12वें स्थान पर है तो कक्षा में से उसकी रहेंगे 10 में से दो गई तो 8 यहाँ पर बचेगा, 8 बचेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ गलत क्यों कर रहा हूँ, माइनस करूँगा तो 8 और ये क्या बचा 68 और एक जो माइनस था अब ये क्या हो जाएगा एक प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह भी आएगा ना लेफ्ट प्लस राइट होता है तो ये क्या हो जाएगा 69
69th होगी, देखो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, हमसे क्या बोला था, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल अनचेंज द लेटर इज जर्मनी अरेंज इन ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो आपको मालूम है कि जी ई आर एम ए एन वाई, पहले क्या लिखना है ए, कि भाई इसके बाद क्या आएगा ई, ए ई, फिर जी, फिर एम, फिर एन, फिर आर और वाई। तो क्या हो गया हमारे पास, एक ये हो गया अनचेंज, ये तो एम ही है, और ये क्या हो गया, ये तीन लेटर हो गए हमारे पास, तो तीन लेटर ही है वो, बस ऐसे ही करना होता है इनको। हमसे बोला है यदि 26 मार्च को मंगलवार पड़ता है तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 26 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। देखो अगर वो बोला है कि 26 को मंगलवार है, हमने मान लिया ये मंगलवार है, ठीक है, तो 7 दिन पहले, यानी कि क्या हो जाएगा, 26 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 19 होगा, 16 7 19 होते हैं, 9 7 16, ठीक है, तो 19 को भी मंगल होगा। फिर अगर उसके पीछे भी हमारे क्या आएंगे 7 दिन, माइनस सात करेंगे तभी मंगल पड़ेगा, यानी कि 11 को क्या हुआ होगा, मंगलवार। ठीक है, अब हमको क्या चाहना है, 8 तारीख को निकालना है, तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा, देखो इससे पहले क्या आ जाएगी 10, फिर 9, फिर 8, ये क्या हो जाएगा मंडे, मंडे हो गया, ये क्या हो गया आपका मंडे के बाद आपका क्या हो गया संडे, संडे ही तो पड़ेगा आपके पास, ये तो हो गया, नहीं सॉरी मंगलवार था ना, मंगलवार था ना, 11 को मंगलवार है, आपको बोली 11 को मंगलवार है, देखो 8 9 10 और 11, ये क्या हो गया आपका मंगलवार, सोमवार और रविवार, और फिर ये शनिवार, शनिवार होना चाहिए, जबकि शुक्रवार हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, ग्यारह क्या, अरे 7 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या बचने, 12 बचेगा यार, गड़बड़ हो गई, 12 होगा, 12, ओहो शिट मैन, लॉजिक सही लगा रहे हैं पर लेकिन थोड़ा उसमें कर दिया, देखो 12 बचेगा ना, जैसे क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 12 बचेगा, ये 12 तारीख को बोल रहा है कि मंगलवार है, देखो 12 तारीख को क्या बोल रहा है, मंगलवार है, 11 को क्या हो जाएगा सोमवार, 10 को क्या हो जाएगा संडे, 9 को क्या हो जाएगा आपका सैटरडे, 8 को क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे, तो 8 तारीख को आपका क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे रवि मतलब शुक्रवार, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, फ्राइडे होगा, वो क्या है 11 में से 7 जाएंगी तो आपका क्या बचेगा, आपका 12 और 7 19 ही तो होते हैं, 12 और 7 19 भैया 19 ही तो होते हैं, तो 11 नहीं 12 बचेगा, वो 12 से हम रिस्पेक्ट में चलेंगे। ठीक, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो पैटर्न पहचानो, 10 15 20 25 और ये क्या हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा 30, 5 10 15 20 25 ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है, ये हो गया 25 35 45 और 10 55 ये हो जाएगा 35 55 25 ये बनना चाहिए, देखो 30 55 ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बोला है देखो अब इस तरीके से भी क्वेश्चन देने लगे हैं कि ये जो 13 का संबंध जो है 156 से है, 22 का संबंध 264 से है, तो 31 का संबंध क्या हो जाएगा, देखो ये देखा है कि 12 × 2 ये करने पर तो हमारा केवल ये आ जाता है 156, इससे मल्टीप्लाई करने पर 12 से आ रहा है क्या, 22 × 44 ये 2 4 ये हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे 31 × 12 करेंगे, ठीक है ये क्या हो गया 62 और ये क्या हो जाएगा 31 27 ये 372, देखो ये तो ईजी था, केवल 12 का मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो क्या हो गया 372। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से अब देने लगे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं हमारे पास, ये इसका आधा कर दिया, ठीक है ये आधा कर दिया, 800 का आधा बोल सकते हैं 400 है। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ 800 का ये आधा किया है तो अगले में इसने क्या किया है 80 ऐड कर दिया, भाई साहब 80 कैसे ऐड किया है, फिर अगले में क्या किया है ये 24 32 नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, फिर क्या करेंगे हम 400
दो का डिवाइड करेंगे तो फिर 200 हो रहा है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, 200 तो दिक्कत हो रही है। क्या लगाया इसमें लॉजिक, आधा आधा होता गया है क्या पीछे से अल्टरनेट में? अल्टरनेट में भी आधा नहीं हुआ है। देखो अल्टरनेट में भी अगर ये करेंगे, अगर इसमें क्या किया है, अल्टरनेट में भी ये क्या हो गया 240, इसे 40 अगर ऐड करेंगे, इसका आधा करके 40 ऐड कर दिया, इसका आधा करके यानी कि इसका आधा क्या हो जाएगा 120, 120 में अगर 40 ऐड करेंगे तो 160 सही तो है। ऐसे किया देखो, ये क्या किया अल्टरनेट में, देखो अब इसका क्या किया, इसका आधा किया हमने, इसका आधा किया 800 का आधा क्या हो गया 400, 400 में इसने 80 ऐड कर दिया, ठीक है ये हो गया। अब इसका आधा क्या हो गया हमारे पास, 480 का आधा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 4 × 2 = 24, अब इसमें क्या 8 ऐड कर रहे हैं, 80 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 32, 8 × 4 = 12, ये 32, ठीक है ये हो गया लॉजिक बन गया। अब ऐसे ही इसमें क्या किया, चार इसमें क्या हो गया अल्टरनेट्स में हमने क्या किया 40, और इसमें क्या किया 40 ऐड कर रहे हैं, 40 ऐड कर रहे हैं, ठीक है इसका आधा करके 40 ऐड कर रहे हैं, ऐसे सेम कह रहे हैं, इसलिए क्या हो गया 160 आ गया, ठीक है। उस समूह को जो सीखिए जो मतलब असंगत है उसमें यही है, ठीक है एच आई एम, इसमें तो यही लॉजिक लगता है जे एन पी, ठीक है आर वी एक्स, और ये क्या हो गया सी जी आई के। देखो एच पे 8 है, जे के 11 है, एम पे क्या 13 प्लस 3, ये क्या हो गया मेरे पास प्लस 2, ठीक है जे पे 10 है, एन पे 14 है, तो ये क्या हो गया प्लस 14 जे के, हाँ ठीक है 4 ऐड किया है, ये क्या हो गया 16, तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 2 ऐड किया है 18, और ये क्या है विवाह 22 में होता है तो क्या हो गया प्लस 4, और ये क्या हो गया प्लस 2 ही हो रहा है, ठीक है सी पे क्या है 3, और ये क्या है 7, तो ये क्या हो गया प्लस 4, और ये क्या हो गया 9, तो ये क्या हो गया प्लस 2, ठीक है तो यानी कि ये असंगत हो गया पूरी तरह से, यही होता है इसमें, ठीक है। बोला है यदि 18 जनवरी 2013 को शुक्रवार था तो 19 दिसंबर 2021 को सप्ताह कौन सा, तो वही लगाओ अभी बताया था 144 0 250 36 146 लगाओ, दिसंबर यानी कि 6 19 6 21 प्लस सदी का कोड भी याद हो गया अब तो 6, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे 4 × 5 = 20, ठीक है 5 चीज़ें होती हैं ऊपर, ये भी याद रखो 7 से डिवाइड करना है, ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1906 25 25 और 5 30, 30 तो वैसे ही हो गया 1906 25 5 30, और 30 और 27 क्या हो जाएगा हमारे पास 57, 57 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56 बचेगा 1, 1 पे क्या करते हैं हम संडे, 1 से क्या करते हैं संडे, मंडे से क्या करते हैं हम ये 2, तो 1 बच रहा है तो 1 रिमाइंडर, यानी कि 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास रविवार, ये क्या हो गया हमारे पास संडे, क्या हो गया संडे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, और मैं तो कहूँगा ये 2x स्पीड पर देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना थैंक यू तो कर ही देना सब कुछ, ठीक है। और साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगा, ये पक्की बात है, ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो यूट्यूब पर कोई भी नहीं करा हुआ है, ऐसे नहीं जो लल्लू पुल्लू वाले, कोई अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो रिसेंट एग्जाम में आ रहे हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।